नमस्कार दोस्तों, मालवीय फिजिकल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके समक्ष खेल मनोविज्ञान के 20 प्रश्नों की सीरीज लेकर उपस्थित हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का मेरा पहला प्रश्न है, सीखना वह प्रक्रिया है जिससे विद्यार्थी में निम्न बदलाव होता है। तो सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे विद्यार्थियों में ज्ञान का बदलाव, व्यवहार का बदलाव, सोचने के ढंग में बदलाव आता है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 2, सीखने की प्रक्रिया के दौरान समय के सापेक्ष परफॉर्मेंस में हुई वृद्धि अथवा कमी को जब ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, लर्निंग कर्व। जब सीखने की प्रक्रिया के दौरान समय के सापेक्ष परफॉर्मेंस में हुई वृद्धि को ग्राफ में दर्शाते हैं तो उसको लर्निंग कर्व कहते हैं। प्रश्न संख्या 3, सीखने के वक्र यानी लर्निंग कर्व के फर्स्ट फेज की स्थिति होती है। लर्निंग कर्व के वक्र के प्रथम चरण की स्थिति होती है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, प्रारंभिक तेजी। लर्निंग कर्व के प्रथम फेज में सीखने की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से ग्राफ ऊपर बढ़ता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, प्रारंभिक तेजी। प्रश्न संख्या 4, कोहलर ने निम्न में से कौन सा सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, कोहलर ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। प्रश्न संख्या 5, कंडीशन रिफ्लेक्स थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, पावलो ने कंडीशन रिफ्लेक्स थ्योरी का प्रतिपादन किया था। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, पावलो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, सीखने के वक्र में नकारात्मक प्रगति वाले वक्र को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, उत्तल वक्र। प्रश्न संख्या 7, सीखने के वक्र में सकारात्मक प्रगति वाले वक्र को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, अवतल वक्र। प्रश्न संख्या 8, छोटे बच्चों को पीटी सिखाने के लिए कौन सी शिक्षण पद्धति ठीक रहती है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, अनुकरण विधि। जब भी आप छोटे बच्चों को पीटी सिखाएं तो वो बच्चे देख कर सीखते हैं, तो अनुकरण विधि सबसे अच्छी है जो कि पीटी सिखाने के लिए है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, अनुकरण विधि। प्रश्न संख्या 9, थार्नडाइक ने निम्नलिखित में से किन नियमों का प्रतिपादन किया था? तो थार्नडाइक ने सीखने के नियम का प्रतिपादन किया था। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, सीखने के नियम। प्रश्न संख्या 10, खेलों की कौशल सिखाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी कही जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, प्रदर्शन विधि। खेल को स्किल सिखाने की सर्वोत्तम विधि के रूप में माना जाता है, जो कि पहले इसमें किसी भी स्किल्स को परफॉर्म करके दिखाया जाता है, फिर उसके बाद में बच्चों को उसको करने के लिए कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, प्रदर्शन विधि। प्रश्न संख्या 11, यदि विद्यार्थी लगातार गलती करता है तो शिक्षक या कोच को क्या करना चाहिए? तो उपरोक्त दिए हुए 4 ऑप्शन में इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, मार्गदर्शन एवं परामर्श देना चाहिए। यदि विद्यार्थी लगातार गलती करता है तो कोच और शिक्षक को मार्गदर्शन एवं परामर्श देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, मार्गदर्शन एवं परामर्श देना चाहिए। प्रश्न संख्या 12, सीखने का स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है? ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कितने प्रकार की होती है? तो यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है, इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, 3 प्रकार की ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होती है, जो सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य स्थानांतरण। इस प्रकार से सीखने का स्थानांतरण 3 प्रकार का होता है। प्रश्न संख्या 13, जब पूर्व में सीखा गया कौशल नया कौशल के सीखने में सहायक होता है तो वह कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, सकारात्मक अथवा धनात्मक स्थानांतरण। प्रश्न संख्या 14, जब पूर्व में सीखा गया कौशल नया कौशल के सीखने में सहायक नहीं होता
तो वह कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर दो, नकारात्मक अथवा ऋणात्मक स्थानांतरण। प्रश्न संख्या 15, जब पूर्व में सीखा गया कौशल नया कौशल के सीखने में कोई भी प्रभाव नहीं डालता है तो वह कहलाता है शून्य स्थानांतरण। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर तीन, शून्य स्थानांतरण। प्रश्न संख्या 16, निम्न में से कौन सा सकारात्मक सीखने के स्थानांतरण में सहायक नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, थकान सकारात्मक स्थानांतरण में सहायक नहीं होता है। प्रश्न संख्या 17, सीखने की संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, सीखना केवल बचपन में संभव होता है, जबकि यह कथन पूर्ण रूप से गलत है। सीखना एक निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, यह बचपन नहीं बल्कि किसी भी अवस्था में सीखा जा सकता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1। प्रश्न संख्या 18, सीखने की प्रक्रिया के दौरान जब बच्चा प्रदर्शन में ना तो तेजी आती है और ना ही कमी आती है, इस स्थिति को क्या कहते हैं। अर्थात सीखने की प्रक्रिया के दौरान जब बच्चे के अंदर ना तो परफॉर्मेंस में वृद्धि होती है और ना ही परफॉर्मेंस में डिक्रीजन होता है, तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, सीखने का पठार, उसको कहते हैं सीखने का पठार। सीखने के वक्र में पठार का क्या दिखाता है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, सीखने में कोई प्रगति नहीं होती, यह प्लेटो लर्निंग कर्व में दिखाता है। प्रश्न संख्या 21, सीखने के वक्र में पठार बनता है। तो इसमें प्रश्न पूछ रहा है सीखने में पठार जो बनता है उसकी स्थिति में क्या होता है, तो क्या किस कारण से पठार बनता है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, थकान के कारण प्लेटू की स्थिति सीखने में आती है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, थकान के कारण। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।